العالمين والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد عن عبد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال यह माशाल महाजरीन ख़म सुन इदब तुली तुम बिहन विल्लांतरी को हन अलहदीस हजरन ग्रामी पाँच गुनाहों की वजह से पांच तरह की सज़ाएँ इस तल्लुक़ से ये हदीस है इबन माजा की हदीस नंबर चार रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदील्ल तुम वो फरमाते हैं कि प्यार नबी अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारे पास तशरीफ़ लाएँ साबा कराम से मुखातिब हुई और ख़ुसूसी तौर पर महाजरीन से ख़िताब करके फरमाया या माशरल महाजरीन ऐ महाज़रीन की जमात खम सुन पांच तरह के आमाल पांच तरह के गुनाह ऐसे हैं जब तुम्हें इन पांच गुनाहों से आजमाए जाए जब तुम्हारी आजमाइश इन पांच गुनाहों के ज़रिए से हो और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इन पांच गुनाहों से कि ये गुनाह तुम्हें आ पहुँचे इन गुनाहों में तुम मुलविस हो जाओ उससे मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ क्या है पांच गुना नबी ने फरमाया पहली बात लम तधहरिल फाहिशतु फी कौमिन कत हत्ता युलिनो बिहा इल्ला फशाफीहिम अतआउन वल औजाउ लती लम तकुन मदद फी असलाफीहिम अलदीना का पहला गुना और उसकी सजा का के जब कभी किसी कौम में बेहयाई और यानी जनाकारी आम हो जाए यहाँ तक कि हती नबिहा खुल्लम खुल्ला बेहयाई और, यानी और जिनाकारी का इरतकाब करने लग जाए जब ये वक्त आ जाए इस तरह की हालत आ जाए यानी इस गुनाह को जब इस अंदाज से किया जाने लगे तो उस वक्त अल्लाह तबर तला क्या सजा देगा फशाफी हिम तो ऐसे लोगों में ताउन की बीमारी आम हो जाएगी ताउन एक ऐसी बीमारी है जो नबी के ज़माने में और आज तक उसका इलाज नहीं है ताउन की बीमारी इस बीमारी में अल्लाह तबरक मुब्तला कर देगा अगर किसी कौम में जिनाकारी आम हो जाए जिनाकारी आम हो जाए खुल्ला और ज़िनाकारी का इतकाब करने लग जाए तो अल्लाह तबरक उनमें ताउन की बीमारी को डाल देगा और इतना ही नहीं आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया और ऐसी ऐसी बीमारियां औजा ऐसी ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों के ताल्लुक से तुमने कभी सुना ही नहीं सुभान अल्लाह आज हालातें हैं ऐसी ऐसी बीमारियां कभी आपने कोरोना का नाम सुना था इससे पहले और क्या क्या है यानी आजकल जो मुख्तलिफ तरह के यानी कोई चिकन पॉक्स है तो मंकी मौंक, पॉक्स है और फुला, क्या क्या बुखार हैं और अजीब अजीब तरह के बुखारात हैं अजीब अजीब तरह की ये पॉक्स हैं, और अजीब तरह की ये बीमारियां हैं अभी अभी हमने सुना भी नहीं जो कदीम लोग हैं वो तो सोचे होंगे भाई क्या क्या ये बीमारियां हमें सुनने को मिल रही है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले ही फरमा दिया है अगर तुम्हारे अंदर बेहयाई और यानी जिराकारी आम हो जाए खुल्लम खुल्ला करने लग जाओ तो याद रखो उस वक्त ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज तुम नहीं कर पाओगे और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में तुमने कभी सुना भी ना होगा आज देखिये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है एड्स हैं ये बीमारी कहां से आती है बोलो यही तो है जिनाकारी और यानी, बेहयाई गलत तरीके से जो ताल्लुक कायम करते हैं इसी की वजह से ये बीमारी और उसका कुछ इलाज नहीं है अल्लाह हिफाजत फरमाए तफसील में जाने के लिए वक्त नहीं है दूसरा गुना और उसकी सजा वन कुला व जौर सुल्तान अलिम दूसरा गुना नाप तोल में कमी बेशी करोगे तो तीन तरह के आजाबात आएंगे नाप तोल में कमी बेशी यानी तिजारत कारोबार में धोखा देना दूसरे अल्फाज में कहेंगे तो तिजारत तो कारोबार में धोखा देना कुछ बोले कुछ करे लेते वक्त अपना हक पूरा पूरा लिए लेकिन कस्टमर को ठगाए तो ये नाप तोल में कमी बेशी क्यों लेते वक्त बेशी और देते वक्त कमी देते वक्त कमी अगर इस तरह से हो दूसरे अल्फाज में समझें कि अगर बंदों के हुकूक को पामाल किया जाए गरीबों का हक मारा जाए बंदों के हुकूक को पामाल किया जाए लोगों को कारोबार और तिजारत के मामलों में धोखा दिया जाए तो क्या क्या सजाएं आएंगी पहली बात बसिन आएगी बारिश नहीं होगी कभी तो ज्यादा बारिश होगी जिसकी वजह से वो बारिश का पानी रहमत नहीं जहमत बन जाए कभी किल्लतें बारा बारिश नहीं जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है। और आप देख रहे हैं बेमौसम की बरसात इतनी बारिश बेमौसम में कि लोग परेशान डूबे फसलें तबाह और जब बारिश होना है उस वक्त बारिश नहीं गर्मी में तड़प रहे हैं तरस रहे हैं परेशान है सब ये पहला पहली सजा दूसरी सजा वो शिद्दत में महंगाई की मार पड़ेगी अल्लाह अकबर महंगाई बढ़ जाएगी महंगाई सर चढ़ के बोलेगी आसमान छूती महंगाई ये कब जब पब्लिक को ठगाओगे पब्लिक को ठगाओगे और चंद लोगों के पास पैसा पैसे वालों के पास जाएगा तो उस वक्त याद रखो महंगाई की मार पड़ेगी अल्लाह अकबर कुरबान जाए प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि आप अपनी तरफ से नहीं रब कायनात की तरफ से रब को पता है कि आइंदा क्या क्या होने वाला है हाँ आज सब कुछ देख रहे हैं तीसरी सजा व जौर सुल्तान आलिम और हुक्मरानों का जुल्म बढ़ जाएगा हुक्मरानों का जुल्म बढ़ जाएगा आज देख रहे हैं हुक्मरानों के जुल्म ज्यादती बढ़ जा रही है महंगाई आम है दीगर मुख्तलिफ तरह के बोझ हैं हुक्मरानों की तरफ से ये टैक्स वो टैक्स ये दो वो दो इधर उधर इतनी परेशानियां हैं तो देखें अगर ये चीजें हैं तो अल्लाह की तरफ से सजाएं आएंगी तीसरी चीज तीसरा गुना और उसकी सजा वलम यमना जक़त अम वालिम अगर लोग अपने माल की जक़ात रोक ले जक़ात ना दे यानी गरीबों का हक अदा ना करें जक़ात Allah का भी हक है और अल्लाह के बंदों में से गरीबों का हक है जक़ात कमा हक का हो अदा ना करें तो क्या होगा उसकी वजह से अल्लाह सजा देगा आसमान से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेगा बारिश को रोक लेगा तो अल्लाह ये बारिश दे रहा है यानी अल्लाह ताला हमें और आपको अगर दौलतमंद बनाया है साहेब निसाब जक़ात देने वाला बनाया है अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि इन गरीबों का माल अल्लाह ने हमारे पास रखा है अल्लाह ने हमें जरिया बनाया है और ना अल्लाह ताला रोक लेगा अल्लाह फिर इसलिए और दूसरी बात अल्लाह के रसुल ने फरमायाल बहामय थरू अगर ये चौपाए चरिंदे परिंदे दरिंदे ना होते बारिश का एक खतरा अल्लाह तला ना बरसाता शुक्र बनाओ कि इनकी वजह से अल्लाह तला हमें बारिश दे रहा है चौथा गुना और उसकी सजा वलम अगर किसी कौम में अल्लाह उसके रसूल के साथ वादा खिलाफी हो अल्लाह उसके रसूल के साथ अहदो अहदोपैमान को पूरा ना करें अभी आप पहली रकात में सुरे। ईमान वालों से खिताब करके अल्लाह ने फरमाया में रसूल अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत मत करो हमने ईमान लाया है ईमान का तकाजा है कि अमल भी करें अल्लाह पर रसूल पर ईमान है तो ईमान का तकाजा के अमल करें अल्लाह उसके रसूल के तरीके के मुताबिक अगर हम अल्लाह उसके रसूल के तरीके के मुताबिक अमल ना करके मुकर जाएं सल्लाम अदबन रिम तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को उन पर मुसलक कर देगा दुश्मनों को मुसलत कर देगा तो अगर दुश्मन आज हम पर मुसलत हैं उससे बचना तो क्या करना अल्लाह उसके रसूल के पास जाओ अल्लाह वाले बन जाओ रसूल के तरीके पर अमल करो जितने ज़्यादा तुम नेक बनोगे एक बनोगे अल्लाह के रसूल के सुन्नत के शाई बनोगे उतने ज्यादा तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर भागेंगे और तुम अगर दीन से दूरी इख्तियार करोगे दुश्मन तुम पर हावी हो जाएगा हजरत तुम्हारी अल्लाह तन हो जब मकदिस को फतह करने के लिए जा रहे थे पूरी बातचीत हो गई फतह हो गई मकदिस, अब जाके चाबी लेना है क्रिश्चनों से और उस वक्त के सुपर पावर हैं वो क्रिश्चन उस वक्त के रूमी लोग सुपर पावर हैं तो उमर उमरदिल्ला अनु जब जा रहे थे आपके कपड़े में पैवंद लगे हुए थे पैवंद लगे हुए थे आपके सिपे सालार अब उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया कि अमीरुल उलमोमिन आप कपड़े चेंज कर लें ये जो रूमी लोग हैं ईसाई लोग उनके क्या दरबार क्या दरबान होते हैं क्या आन बान शान शौकत होती है क्या ठाट बाट है कि हम उनके सामने फीके ना पड़ जाएं हजरत उमर को गुस्सा आ गया कहा कि अबू बैदा तुम जैसे आदमी ये बात कह रहे हो अगर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा कहा होता मैं दिर्रा से उसको मार दिया ये लाठी है ना मेरे पास दिर्रा इससे मैं मार दिया होता याद रखो तुम्हारे अंदर मरोहबियत आ रही है ये जाहिरी चमक दमक के पीछे जा रहे हो हमें इज्जत किससे मिली है मुझे ख़त्ताब का गधा चराना नहीं आता था मैं एकदम बेढंगा इंसान था मुझे अल्लाह ताला इतना ऊंचा मुकाम दिया कि जिससे देखकर रास्ता शैतान बदल देता है ये इस्लाम की वजह से है ये ईमान और इस्लाम की वजह से है और ईमान और इस्लाम को छोड़ के अगर तुम इज्जत ढूंढने जाओगे अल्लाह तुम्हें जलील रस्वा करके रख देगा अल्लाह अकबर कि कपड़े से हमें इज्जत नहीं मिली है इज्जत मिली है हमको ईमान इस्लाम की वजह से अल्लाह अकबर क्या उनका जुमला है आज हम लोग इस्लाम इज्जत ढूंढ रहे हैं ईमान इस्लाम को छोड़ के अल्लाह उसके रसूल के तरीके में छोड़ के गैरों के तौर तरीके उनके वजा कता में जाकर इज्जत ढूंढने जा रहे हैं कहां से इज्जत मिलेगी जिल्लत और उस मिलेगी तो कहा कि देखो अल्लाह उसके रसूल से दूर हटोगे अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर मुसलत कर देगा और क्या होगा उसके बाद एनआरसी आएगी हाँ हदीस में।, में है इस हदीस में है एनआरसी आएगी कैसे वो जो दुश्मन तुम्हारे ऊपर मुसलित हो जाएंगे ना क्या करेंगे तुम्हारे हाथ में जो कुछ है तुम्हारे कंट्रोल में जो कुछ है वो सब छीन लेंगे क्या छीन लेंगे तुमको सेकेंड क्लास के सिटीजनशिप बना देंगे वोट का अधिकार छीन लेंगे तुम्हारी जायदाद छीन लेंगे तुम्हारे कंट्रोल छीन लेंगे तुम्हारा जो कुछ है सब छीन लेंगे छीन के जाओ यहां से भागो देखो अब आखादू तुम्हारे हाथ में जो कुछ है कंट्रोल जायदाद है जमीन है हुकूमत है डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ है सब छीन लेंगे लोग और तुम्हें सेकंड दर्जे के शहरी बनाकर रख देंगे इसलिए अगर वो नहीं होना तो क्या करना है अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ आखिरी बात आखिरी गुन तहकुम तहकुम आईमत किताबुल्ला अगर मुसलमानों के या जहां के उस कौम के जो सरबरा हैं कौम के सरबरा हैं इमाम हैं सरबरा हैं अमीर हैं हाकिम वक्त हैं अगर किताबुल्लह के मुताबिक फैसला ना करें अल्लाह उसके रसूल के कानून को छोड़ के गैरुल्लाह के कानून की तरफ जाए तो क्या होगा इस गुना की पादाश में वो अल्लाह के अल्लाह नाजिल किया उनको छोड़ के इख्तियार चायल करो ना करो छोड़ दे तो क्या होगा अल्लाह तक आपस में लड़ा देगा आज हम क्यों लड़ रहे हैं अल्लाह उसके रसूल का तरीका हमने छोड़ दिया है फ़ैन तनाजा तुम फैन दो अल्लाह उसके रसूल की अदालत में आओ इख्तलाफा ख़त्म हो जाएंगे दुआ की जरबालमी से अल्लाह तबरक हमें। और आपको इस हदीस के तकाजों पर अमल की तोफ़ी कदा फ़माएँ इन गुनाओं से अल्लाह तहफूज रखे आमीन सुबह दस्तक फिर महमद